चैनल नेक्स्ट 9 न्यूज। आई एम योर होस्ट एंड दोस्त प्रांश राठौर। बीटाउन में सेलिब्रिटीज अपने प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ की चलती जहां एक तरफ काफी ज्यादा चर्चा बटोरते हुए देखे जाते हैं, वहीं अपनी पर्सनल लाइफ पर बातचीत करते हुए भी नजर आते हैं। हमारी इस रिपोर्ट में आज हम बात करेंगे बॉलीवुड की पॉपुलर एक्ट्रेस तब्बू के बारे में, जिन्होंने कई बेहतरीन और सुपरहिट फिल्में दी हैं। तब्बू, जिन्होंने अपनी शानदार एक्टिंग और खूबसूरती के जरिए हमेशा ही फैंस के दिलों पर राज किया है, लेकिन तब्बू 51 इयर्स की हो चुकी हैं और अब तक शादी के बंधन में नहीं बंधी हैं। तब्बू की जिंदगी से जुड़े हुए ऐसे कई राज हैं, ऐसे कई किस्से हैं जो अक्सर वायरल होते रहते हैं। आज एक बार फिर से बात करेंगे तब्बू की पर्सनल लाइफ पर, देखिए रिपोर्ट। बीटाउन में ऐसी कई स्टार्स हैं जो अब तक शादी के बंधन में नहीं बंधे हैं। 50 की उम्र पार कर चुकी हैं कई सेलिब्रिटीज, लेकिन अब तक वह शादी के बंधन में नहीं बंधे हैं। अपने पर्सनल लाइफ के चलते कई बार सुर्खियां बटोरते हुए भी देखे जाते हैं। इन्हीं में से एक हैं पॉपुलर एक्ट्रेस तब्बू, जिन्होंने अपने फिल्मी करियर के साथ साथ पर्सनल लाइफ के चलते काफी बार सुर्खियां बटोरी हैं। 51 इयर्स की हो चुकी हैं तब्बू, लेकिन अब तक शादी के बंधन में नहीं बंधी हैं। बीटाउन में एक वक्त ऐसा था जब तब्बू का नाम कई स्टार्स के साथ जोड़ा गया था। इन्हीं में से एक हैं साउथ के सुपरस्टार अक्की नैनी नागार्जुन। नागार्जुन के साथ तब्बू का नाम कई बार जोड़ा गया है और आज भी पुराने किस्से वायरल होते रहते हैं। इस रिपोर्ट के जरिए हम आपको बताने रहे हैं जब तब्बू ने खुलकर बातचीत की थी नागार्जुन के साथ रिश्ते को लेकर। बता दें आपको, तब्बू ने कुछ साल पहले फिल्म मेकर करण जौहर के पॉपुलर चैट शो कॉफी विद करण में इस रिश्ते को लेकर अपने दिल की बात कही थी। साल 2007 में जब करण जौहर के शो में तब्बू पहुंची थी, उस दौरान तब्बू से करण ने नागार्जुन के साथ अफेयर पर सवाल किए थे और उस वक्त तब्बू ने अपने दिल की बात भी कही थी। तब्बू ने कह दिया था, ये नागार्जुन वाली कहानी काफी पुरानी हो चुकी है, ये वापस आती रहती है। मैं हमेशा ही सोचती हूँ कि मीडिया हमेशा ये दिखाना चाहता है कि मेरे बॉयफ्रेंड हो या फिर ना हो, बॉयफ्रेंड आते और जाते रहेंगे, लेकिन नागार्जुन हमेशा ही टिके रहेंगे। इतना ही नहीं, तब्बू ने ये तक कह दिया कि नागार्जुन के साथ उनकी बॉन्डिंग कितनी अच्छी है। इतना ही नहीं, तब्बू ने आगे बताया कि वह नागार्जुन के साथ बहुत ही स्पेशल बॉन्डिंग शेयर करती हैं और अपने रिश्ते को कोई नाम नहीं देना चाहती हैं। तब्बू ने कहा कि मैं नहीं जानती कि मुझे क्या कहना चाहिए, लेकिन वो मेरी जिंदगी के सबसे खास लोगों में से एक है। वह मेरी लाइफ के सबसे महत्वपूर्ण रिश्तों में से एक है। मुझे उनके साथ अपना रिश्ता बेहद प्यारा लगता है। कोई भी उनके साथ मेरे रिश्ते को बदल नहीं सकता है। मेरे पास इस रिश्ते का कोई भी लेबल नहीं है और मैं इनमें कुछ नहीं कर भी और मैं इसमें कुछ भी नहीं कर सकती हूँ। वहीं बात की जाए नागार्जुन के बारे में, तो नागार्जुन ने अपने इंटरव्यू में तब्बू के साथ बॉन्डिंग को लेकर कहा था कि हाँ, तब्बू मेरी बहुत ही अच्छी दोस्त है। हमारी दोस्ती तब शुरू हुई थी जब वह केवल 16 साल की थी और मैं 22 साल का था। हमारी दोस्ती के बारे में जितना कहा जाए उतना कम है। मेरे पास उनके बारे में छुपाने को कुछ नहीं है। जब उनका नाम सामने आता है तो मेरा चेहरा खिल उठता है। वह एक बेहतरीन इंसान और दोस्त हैं और हमेशा ही रहेंगी। इस तरह से नागार्जुन और तब्बू ने एक दूसरे के साथ बॉन्डिंग को लेकर खुलकर बातचीत की। नागार्जुन जो आज के समय में अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर सुर्खियां बटोरते हुए नजर आते हैं, काफी खुशहाल और आलीशान जिंदगी बिता रहे हैं अपने परिवार के साथ, वहीं तब्बू आज भी कुंवारी हैं, अब तक शादी के बंधन में नहीं बंधी हैं। आप सभी ने देखा जाना एक्ट्रेस तब्बू के बारे में, आज भी तब्बू शादी के बंधन में नहीं बंधी है। फैंस लंबे वक्त से इंतजार करते हुए नजर आए हैं उनके शादी का, लेकिन अब तक तब्बू ने शादी नहीं की है। इस रिपोर्ट में इतना ही, तब तक के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज और हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।